तो फिर यहाँ चुनाव लड़ने क्यों आ रहे हैं? एक प्रतिशोध लेने। क्यों प्रतिशोध लेने? प्रतिशोध यह लेने आ रहे हैं कि हमने उनकी पत्नी श्रीमती डिंपल यादव जी को हरा दिया। अखिलेश जी, बस यही तो आपकी गलत फहमी है। मेरी कोई हैसियत है? मैं आपकी पत्नी डिंपल यादव को हरा सकता था? आपकी पत्नी को हराया कन्नौज की जनता ने। अब कन्नौज की जनता ने हराया तो आप प्रतिशोध किससे लेने आ रहे हो? हमसे लेने आ रहे हो? कन्नौज की जनता से लेने आ रहे हो? बगल में आपकी बीवी लड़ रही, उसके बगल में भैया लड़ रहा, उसके बगल में दूसरा भैया लड़ रहा, आगे जाओ तीसरा भैया लड़ रहा। आपको लड़ने की ऐसी कौन सी जरूरत पड़ गई थी? क्या घर भर आप ही लड़ोगे, दूसरे किसी को लड़ने नहीं दोगे? स्वाभाविक है ना। आप मुख्तार अंसारी के घर जाते हो तो ही हम आपको पाकिस्तान के जैसी सोच बताते हैं। हम पाकिस्तान किसी देश की बात नहीं करते। पाकिस्तान एक सोच, एक विचारधारा। वो विचारधारा क्या? लूट, अपहरण, हत्या, बलात्कार, जबरदस्ती, आतंकवाद, भ्रष्टाचार, बेईमानी। तो ये जो सोच है, ये जो विचारधारा, ये सब समाजवादी पार्टी के भीतर है। तो अगर नहीं है तो बताओ भैया फिर क्यों मुख्तार अंसारी के घर जाते हो? तो बाइक कैमरा और इलेक्शन के साथ हम पहुंच चुके हैं कन्नौज, और कन्नौज के जो डिफेंडिंग चैंपियन हैं सुब्रत पाठक जी, वो इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। सुब्रत जी, बहुत बहुत स्वागत आपका हेडलाइंस इंडिया पर। अच्छा सुब्रत जी, पहले मैं आपको बता दूं कि हमारे शो का नाम है बाइक कैमरा और इलेक्शन। आप लोग कर ही रहे हैं, ठीक है? कैंपेन चल ही रहा है, और आप थोड़ा सा इसको ध्यान से देखेंगे तो क्या है? सिंगल सीट है। आप सोच रहे होंगे सिंगल सीट क्यों है? अक्सर तो बाइक में डबल सीट होती है। सोचिए क्यों है? क्यों है थोड़ा सा सोचिए। आप अकेले हो इसलिए? नहीं, हम इसलिए अकेले, इसलिए सिंगल सीट पे हैं क्योंकि ना मीडिया पर ये आरोप लगता है कि हम लोग जो है डबल सीट चलते हैं। कभी सत्ता को सवारी करा दी, कभी विपक्ष तैयारी कर दी। तो हमने कहा हमें झंझट ही नहीं पालनी। हमने कहा हम सिंगल सीट वाले पत्रकार हैं, जो होगा सामने वो दिखाएंगे, साफ साफ दिखाएंगे और साफ साफ सवाल पूछेंगे। सही है, ठीक है? तो आपसे साफ साफ सवाल मेरा पहला यही है कि ये तो सिंगल सीट है, लेकिन यूपी में दो लड़के जो है वो डबल सीट कर रहे हैं, तो और आप डिफेंडिंग चैंपियन हैं कन्नौज के, तो आपको मुकाबला जो है वो मुश्किल लग रहा है या आपको लग रहा है कि बाजी मार ही लेंगे? देखो, ये चूंकि ये देश का चुनाव है और ये अगर दो लड़कों के बीच में है तो दो सरकारों के बीच में है, दो सरकारों के बीच में है तो ये दो विचारधाराओं के बीच में है। यही दो लड़के पहले 10 साल सरकार में रहे, 2004 से 2014 तक जो कांग्रेस की सरकार थी, तो वो कांग्रेस की सरकार में ये दोनों ही लड़के तो थे। 12.5 लाख करोड़ की लूट हुई थी, इनकी जेबें भरी गई थी, और वो पैसा किसी ने जाकर लंदन में प्रॉपर्टी बनाई, किसी ने दुबई में बनाई, किसी ने 1500 करोड़ की कोठी खरीदी, किसी ने 2000 करोड़ की कोठी खरीदी। फिर 10 साल नरेंद्र मोदी सरकार के, 2014 से लेकर 2024 तक, तो इसमें किसी नेता की कोठी नहीं खरीदी, किसी नेता ने विदेश में प्रॉपर्टी नहीं बनाई, ना किसी ने मकान बनाया, जबकि देश में 4 करोड़ गरीबों के पक्के मकान बनाए और 10 करोड़ से अधिक गरीबों के दरवाजे पर शौचालय बनाए, और लगभग 12 करोड़ के आसपास उज्ज्वला योजना के कनेक्शन वितरित किए। तो कुल मिलाकर आयुष्मान योजना के साथ देश के आधी आबादी को जोड़ने का काम किया कि उनको इलाज की व्यवस्था कराने का काम किया, तो और 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन देने का काम किया, किसान को सम्मान निधि देने का काम किया। तो मैंने देश से जो लूट रुकी और जो लूट हमारी सरकार में जो नहीं हुई, वही का एक बड़ा परिणाम है कि उसका लाभ सीधे नीचे की जनता को मिला। तो ये एक बड़ा अंतर है जो जनता देख रही है। तो कुल मिलाकर दो लड़कों को अपने 10 साल में क्या किया बताना चाहिए, मोदी जी ने 10 साल में क्या किया वो तो सबके सामने है। तो सुब्रत जी, अभी आपका एक बयान आया था पीछे जिसमें आपने कहा कि पहले तो मुझे लग रहा था कि मुकाबला शायद जिसी जर्मनी की टीम से है या जापान की टीम से है, नेपाल की टीम से है ना, और अब लेकिन इस मुकाबले को जो है भारत पाकिस्तान का मुकाबला हो गया, सामने अखिलेश और इधर आप। वो लोग ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान के साथ मुकाबला नहीं है, कहीं वो हाल ना हो जाए वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया ने इंडिया का कर दिया था। ऑस्ट्रेलिया ने इंडिया कर दिया था ना, इसी बात का बड़ा आनंद आता है। ये वो उस विचार के लोग हैं, जब पाकिस्तान जीतता है तो गोला चलाते हैं, रॉकेट चलाते हैं, आपने देखा होगा, तो वो उन विचारों के लोग हैं। खैर, लेकिन हमने जब कहा कि हमारा मैच पाकिस्तान से है तो आप एक भी वर्ल्ड कप बताओ। भैया, जब से मैं देख रहा हूँ हर वर्ल्ड कप में पाकिस्तान को भारत ने तबीयत से धोया है, और मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद तो जबरदस्त धोया ही धोया है, सबको पता है। तो कुल मिलाकर ये क्या सोच, वो ये कह रहे हैं कि जिनको आप पाकिस्तान कह रहे हो कहीं वो ऑस्ट्रेलिया वाली परफॉर्मेंस ना दे बैठे। देखो, वो ऑस्ट्रेलिया वाली परफॉर्मेंस दे ही नहीं सकते ना, वो कहाँ से दे सकते हैं भाई। जो जिनकी सोच पाकिस्तान की है, जिनका सोच उस प्रकार की है, वो ऑस्ट्रेलिया जैसी परफॉर्मेंस कर ही नहीं सकते। ऑस्ट्रेलिया की परफॉर्मेंस, ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान में जमीन आसमान का अंतर है। ऑस्ट्रेलिया खुले विचारों का है, और पाकिस्तान में महिलाएं बुरके के बाहर निकल नहीं सकती। तो देखो, ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान की तुलना नहीं की जा सकती। लेकिन पाठक जी, इसी बात पर जिस तरह की बात आप कह रहे हैं, वो लोग ये कहते हैं कि आप लोग जो है जब कोई मुद्दा नहीं होता ना तो आप लोग पाकिस्तान की एंट्री करा देते हो, हिंदू मुसलमान की एंट्री करा देते हो, मंगलसूत्र की एंट्री करा देते हो। वो ये कह रहे हैं कि बीजेपी इस बार मुद्दा विहीन चुनाव लड़ रही है और यूपी हाफ हो जाएगा और साउथ में जो है भाजपा साफ हो जाएगी। देखो, आप मौका देते हो तो ही तो हम मुद्दे को उठाते हैं। आप मौका ही ना दो, हम मुद्दा क्यों उठाएंगे?
कौन बोलो भाई, स्वाभाविक है ना, आप मुख्तार अंसारी के घर जाते हो तो ही हम आपको पाकिस्तान के जैसी सोच बताते हैं। हम पाकिस्तान किसी देश की बात नहीं करते, पाकिस्तान एक सोच, एक विचारधारा। वो विचारधारा क्या, लूट, अपहरण, हत्या, बलात्कार, जबरदस्ती, आतंकवाद, भ्रष्टाचार, बेईमानी, तो ये जो सोच है, ये जो विचारधारा, ये सब समाजवादी पार्टी के भीतर है। तो अगर नहीं है तो बताओ भैया फिर क्यों मुख्तार अंसारी के घर जाते हो? अगर मुख्तार अंसारी के घर आप अगर श्रद्धांजलि अर्पित करने गए तो फिर आप बाबू कल्याण सिंह जी के घर क्यों नहीं गए? जबकि आप 2009 में आप कन्नौज से अगर सांसद बने थे, उसमें बड़ी भूमिका उस समय पर बाबू श्री कल्याण सिंह जी की थी, आपके पिताजी ने उनसे मदद मांगी थी। तो कुल मिलाकर आप उनके अंतिम संस्कार में आप शामिल नहीं हुए, उनके बाद में उनके घर में भी आप श्रद्धांजलि अर्पित करने गए नहीं गए, क्यों? तो आप किस सोच के व्यक्ति हो? तो लोग जानते हैं ना, तो आपकी सांप्रदायिक सोच, जब आप मुख्यमंत्री बनते हो तो सबसे पहले आप आतंकवादी जो जेल में बंद थे, जिन्होंने संकट मोचन मंदिर पर हमला किया था, सीआरपीएफ कैंप रामपुर में हमला किया था, उन आतंकवादियों को छोड़ने की आप सिफारिश कर देते हो। वो तो भला हो कोर्ट का, जो कोर्ट ने आपकी सिफारिश को स्वीकार नहीं किया। तो जो आप इस प्रकार की सोच रखते हो, तो आपकी सोच क्या पाकिस्तान से मेल नहीं खाती है क्या? पर वो ये कहते हैं कि बेरोजगारी है, राहुल गांधी खासकर अपने मंच से भाषणों से कहते हैं कि भाई करोड़ों युवा जो है वो बेरोजगार घूम रहे हैं, 2 करोड़ नौकरियों का वादा किया था केंद्र सरकार जब आई थी और वो सब मिला नहीं, इसलिए जो है इन मुद्दों को उछाला जा रहा है। अच्छा, आप 10 साल, आप जब हमने कहा ना कि आप 10 साल कांग्रेस की जब सरकार थी आपने क्या किया था रोजगार के लिए? हमारी सरकार ने तो रोजगार के लिए काम किया है ना। हमने कहा है कि भाई सबको नौकरी नहीं दिया जा सकता, लेकिन सबको रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जा सकते हैं। तो आप देख लो उसको लेकर कितनी सारी योजनाओं पर हमारी सरकार ने काम किया। अब वो चाहे मुद्रा योजना, स्टार्टअप योजना, स्टैंडअप योजना, और उसके साथ साथ आप देखो छोटे जो रेहड़ी पटरी वाले जो लोग छोटा जो व्यापार करना चाहते हैं उनके लिए प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना, तो छोटे से लेकर बड़े व्यापार करने तक के सबके लिए योजनाओं को लाने का काम किया। लोगों को ट्रेनिंग, कौशल विकास के नाम पर लोगों को तमाम क्षेत्रों में ट्रेनिंग के, वो विविध क्षेत्रों में जाकर और अपने रोजगार के अवसर उपलब्ध करा पाएँ। तो आप धीरे धीरे देखो, लोग नौकरी करने वाले नहीं, नौकरी देने वाले बने, यही भारत का हमारा पुराना समाज था। ये तो आकर अंग्रेजों ने इस प्रकार की स्थिति इस देश में बना दी कि लोग नौकरी की तरफ भागने लगे, उनकी मानसिकता नौकरी की बन गई। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की एक जो सबसे, आप कह रहे हैं कि नौकरी करना इतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना अपना, हमने कहा कि नौकरी सबको मिले, अगर सरकार चाहे भी तो भी सबको नौकरी नहीं दे सकती, तो लोगों को रोजगार के अवसर दे सकती है। तो रोजगार के अवसर खड़े होंगे जब इंडस्ट्रियां आएंगी। आप देखो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मेक इन इंडिया के तहत बाहर की टेक्नोलॉजी लाकर हमारे देश में किस प्रकार से इंडस्ट्रीज को बढ़ावा दिया है। आज जो मोबाइल हम इस्तेमाल करते हैं, पहले नरेंद्र मोदी सरकार आने के पहले बाहर से आते थे, मोदी सरकार आने के बाद आज हमारे देश में बनते हैं, बाहर जाते हैं। तो आज जब हमारे देश में बनने लगे हैं तो स्वाभाविक है हमारे देश के लोगों को, हमारे देश में उसमें रोजगार, भाई कोई बनाने वाला होगा, कोई फैक्ट्री में होगा, कोई कुछ वितरण करने वाला होगा, तो ये सब कुल मिलाकर रोजगार के अवसर हमारे देश के लोगों को उपलब्ध हुए ना। तो धीरे धीरे इसको बढ़ावा देना। तो अब ये कोई चीज एक 70 साल का गड्ढा कर दो तुरंत 5 साल में भर जाए, नहीं भरता। चलिए मैं कन्नौज की राजनीति पर जाता हूँ क्योंकि आपको भी शायद निकलना है, समय हो रहा है, कार्यकर्ता इंतजार कर रहे हैं। ये बताइए कि मेरी कल समाजवादी पार्टी के सूत्रों से बात हो रही थी, वो ये कह रहे थे कि पहले तेज प्रताप यादव को आगे किया गया, दरअसल ये एक उन्होंने ट्रैप बिछाया था। ट्रैप इसलिए बिछाया था कि आपके लिए, मान लीजिए अभिमन्यु के लिए चक्रव्यूह का निर्माण हुआ था, उस तरह से कुछ उनकी स्ट्रेटेजी थी कि पहले तेज प्रताप यादव को आगे कर देंगे और आखिरी मौके पर जो है अखिलेश यादव होंगे तो आपके लिए मुकाबला जो है बहुत मुश्किल हो जाएगा और पीछे हटने का मौका भी नहीं होगा। देखो ये उनका वो सोच है, वो सोचते हैं कि वो जो सोचते हैं वो दूसरा भी सोचता, दूसरा वो नहीं सोचता है। हम लोगों को खूब मालूम है, सबको मालूम है, हमने लोगों ने स्पष्ट कहा था कि कन्नौज के भीतर समाजवादी पार्टी में यदि अखिलेश यादव लड़ने नहीं आएंगे तो समाजवादी पार्टी का यहाँ से अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा, समाजवादी पार्टी बचेगी नहीं। उनका ये घमंड था कि नहीं हम तेज प्रताप को भी भेजकर चुनाव यहाँ पर जीतने आएंगे, चुनाव हरा देंगे भारतीय जनता पार्टी को। उन्होंने जब तेज प्रताप को भेजा तो उसका जो रिएक्शन उनके पास में गया तो उनके पैरों के नीचे से जमीन खसक गई। वो समझ गए कि अब कन्नौज में हमारी जमानत भी नहीं बचेगी और इसलिए अखिलेश यादव को खुद घोषणा करना पड़ा। हमने कहा भी था कि अखिलेश जी आप आइए, अगर आप नहीं आएंगे तो चुनाव कोई लड़ ही नहीं पाएगा। तो खैर देखो सबसे बड़ा विषय यह नहीं है, विषय सबसे बड़ा यह है कि अखिलेश जी यहाँ पर क्यों हरा आ रहे हैं, आपके ऊपर लड़ने चुनाव। अखिलेश जी ना प्रधानमंत्री बनेंगे ना इस चुनाव से मुख्यमंत्री बनेंगे। अखिलेश जी इस चुनाव में यहाँ के ऊपर आने के बाद में अगर जीतते भी हैं तो भविष्य में यहाँ पर चुनाव में इस्तीफा देकर चले भी जाएंगे, ये भी सबको पता है।
तो फिर यहाँ चुनाव लड़ने क्यों आ रहे हैं? एक प्रतिशोध लेने। क्यों प्रतिशोध लेने? प्रतिशोध यह लेने आ रहे हैं कि हमने उनकी पत्नी श्रीमती डिंपल यादव जी को हरा दिया। अखिलेश जी, बस यही तो आपकी गलतफहमी है। मेरी कोई हैसियत है? मैं आपकी पत्नी डिंपल यादव को हरा सकता था? आपकी पत्नी को हराया कन्नौज की जनता ने। अब कन्नौज की जनता ने हराया तो आप प्रतिशोध किससे लेने आ रहे हो? हमसे लेने आ रहे हो? कन्नौज की जनता से लेने आ रहे हो? बगल में आपकी बीवी लड़ रही, उसके बगल में भैया लड़ रहा, उसके बगल में दूसरा भैया लड़ रहा, आगे जाओ तीसरा भैया लड़ रहा। आपको लड़ने की ऐसी कौन सी जरूरत पड़ गई थी? क्या घर भर आप ही लड़ोगे, दूसरे किसी को लड़ने नहीं दोगे? उनका जयवीर जी का एक बयान याद आता है, हालांकि उस बयान बड़ा विवाद हुआ। वो ये कह रहे थे कि समाजवादी पार्टी में परिवारवाद इतना हावी है कि अगर संविधान इसकी इजाजत देता तो घर के पशु पक्षियों को भी टिकट दे दिया जाता। क्या आप उसी तरह की बात कह रहे हैं? तभी तो संविधान बदल रहे हैं वो, तभी तो संविधान बदलने का षड्यंत्र कर रहे हैं। अरे आज आप देखो, आज अखिलेश ये कहते हैं कि संविधान आप लोग बदल देंगे अगर आप लोग दोबारा सत्ता में आ गए। कन्नौज मेडिकल कॉलेज का नाम बाबा साहब भीमराव मेडिकल कॉलेज हुआ करता था बहुजन समाजवादी पार्टी की सरकार में। जैसे ही समाजवादी पार्टी की सरकार बनी, समाजवादी पार्टी की सरकार बनते ही जीटी रोड के ऊपर लगा हुआ बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर मेडिकल कॉलेज का बोर्ड उनके गुंडों ने तोड़ दिया, और तोड़ने के बाद उसको जूतों से रौंदा। और फिर जैसे ही उनकी शपथ हुई, शपथ के बाद पहली कैबिनेट की बैठक हुई, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर मेडिकल कॉलेज का नाम बदल दिया। आप बताओ, जिन्होंने बाबा साहब का नाम बदल दिया, संविधान से खतरा उनको है? वो संविधान भी बदल सकते हैं। आरोप लगाते हैं कि हम संविधान बदल देंगे। अरे आपने कर्नाटका में ओबीसी के कोटे में मुसलमानों को भर दिया, ओबीसी के कोटे में हिस्सेदारी मुसलमानों की आपने कर दी। उनका तो बार बार कह रहे हैं कि कन्नौज के मुद्दों में आप लोग कर्नाटक ले आते हैं, मुकाबले में आप लोग पाकिस्तान ले आते हैं, वो यही तो बात कह रहे हैं? भैया कन्नौज के मुद्दों पर भी हम चर्चा कर रहे हैं। हम देश के, ये देश का चुनाव है तो देश के मुद्दों पर भी चर्चा कर रहे हैं। हमें देश की भी सुरक्षा करनी है। हम तो चले जाएंगे, मेरे बाद हमारे बेटा, उसका भविष्य क्या होगा? उसका भविष्य क्या होगा कि ये आतंकवादी सोच आप जन पाओगे? आप मुख्तार के यहाँ श्रद्धांजलि देने जाओगे, जब आपकी सरकार आएगी कितने मुख्तार आप पैदा कर दोगे? तो कुल मिलाकर हमें अपने बच्चों को बचाना भी तो है। हम तो पैसा ही पैदा कर रहे हैं उनके लिए, हम तो संपत्ति बना रहे हैं, हम तो खेत खरीद के जा रहे हैं, लेकिन हम उनके लिए माहौल नहीं बना के जा रहे हैं कि वो कब्जा कर पाएंगे, लूट लेंगे 12-12, 14-14 बच्चा पैदा करने वाले लोग। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया पाठक जी। बस चलते चलते, आपको हमारे कॉन्सेप्ट कैसा लगा? और अगर आप जीते तो क्या फिर इसकी सवारी करेंगे आप? अब आप जीतेंगे तो हम आपसे कहेंगे इसमें एक सीट और लगवाओ, हम आपके साथ बैठेंगे, हम लोग दोनों शिमला घूमने वाला रहा। बिल्कुल पक्का। फिर क्या होता है, एक बार संसद पहुंचने के बाद भी पकड़ में नहीं आते नेताजी? अब देखो, आप लोग तो पकड़ तो चुनाव में आते हैं पकड़ में, या फिर हारने के बाद आते हैं? देखो मीडिया ऐसा है कि सबको पकड़ लेती है हर जगह। चलिए फिर ये वादा रहा। थैंक यू सो मच।